आज इस व्लॉग में आपको ये मेरा पूरा स्कूल देखने को मिलेगा। ये है हमारे स्कूल की बैक साइड। यहाँ पे गाइस प्रोग्राम तो हमने ना वहाँ करना था स्टेज पे पीछे, बट नहीं हो पा रहा है। हम लोग ना एक हमारे स्कूल का है गेट, तीन गेट है हमारे स्कूल में। ये सब लोग जा चुके हैं नीचे और मैं भी जा रही हूँ। ये देखो भाई कितना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज इंडिपेंडेंस डे है। आज मैं आपको इस वाले व्लॉग में दिखाऊंगी पहाड़ों वाला इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि पहाड़ी स्कूल में कैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं लेट भी हो रही हूँ, तो जल्दी से तैयार होते हैं। आज गाइस मैं ये वाइट सूट पहनने वाली हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। अभी बारिश रुक गई है तो मैं सोचा इसी को ही पहनती हूँ। पता नहीं पहाड़ों में तो क्या ही सीन होगा। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ आज, बहुत ज़्यादा। गाना थोड़ा सा सर स्लो कर दो, व्लॉग कर रहे हैं ना। तो आपको मिलवाते हैं नई वाली मैम से। मैम का नाम है संतोषी रावत और हम लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए। सर से तो आप लोग मिल ही लिए थे और ये सब तो पुराने ही है। और आज ना हम इंडिपेंडेंस डे पे ना गाड़ी में वो लगा रहे हैं, फ्लैग लगा रहे हैं। सर लगाना लीजिए, सर लगाओ। सेंटर में लगाना है इसको? हाँ आगे लगा दो इसको, फोटो पे लगाओ। साफ करो तो पहले पानी नहीं आऊंगा। ऊपर वाले बैंड पे पहुंच चुके हैं और पीछे का वेदर देखो कितना ऑसम हो रखा है, बहुत ही अच्छा हो रखा है। और मैंने ये पहना है ना, मेरे को लग रहा है कि ये प्यारी सी सुंदर सी लड़की इस वाले रास्ते पे कैसे जाएगी अब। इसको पहन के ये सारे कपड़े गंदे होने वाले हैं आज। इधर देखिए अलग से फोटोग्राफी चल रही है, नया नया देखने को मिल रहा है ना, नया नया। अरे इधर तिरंगा, ये हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल में। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैं आज व्लॉग बनाऊंगी स्कूल में, क्योंकि आज के डे पे मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि पहाड़ों में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। सब यहाँ पर मतलब हम लोगों को ऐसे ही वो कर देते हैं, तो आज आप देखेंगे कि पहाड़ों में कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा स्कूल ये है गाइस, जिसकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बट फिर भी जो भी है इतनी अच्छी जगह पर है ये, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब प्रकृति के बीच में है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्कूल है। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत पुराना स्कूल है गाइस ये। पहले ये स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता था और अभी ये पूरा गवर्नमेंट है। आज इस व्लॉग में आपको ये मेरा पूरा स्कूल देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? मन से करेंगे, मन से करेंगे, कैसे करोगे? मन से करेंगे, मन से करेंगे। ये है हमारे स्कूल की बिल्डिंग, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। ये पूरी हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, वहाँ पर हमारा ऑफिस है, ये प्रिंसिपल रूम है, आगे ऑफिस है, और इधर ये नीचे की साइड स्टाफ रूम है, और ये पूरी बिल्डिंग हो गई स्कूल की। और नीचे की साइड भी कुछ, जो ये वाला ग्राउंड है ना, ये भी स्कूल का ही है और नीचे भी क्लासेस चलती है। ये है हमारे स्कूल की बैक साइड, यहाँ पर पूरा नेचर ही नेचर मिलेगा। आसपास कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, केवल इस में बस एक जंगल है और इस जंगल में हमारा स्कूल है और नीचे केवल एक ही घर है गाइस बस। फिर बाकी गांव दूर दूर है, जैसे कि वो सामने वाला गांव दिख रहा है, ये भी बहुत दूर है। ये देखिए एक गांव ये दिख रहा है, ये भी दूर है, ये सब गांव दूर दूर है। ये जिम्मेदारी मेरी है बच्चों को तैयार कराना और उनको प्रोग्राम बताना कि आपका प्रोग्राम अब है, अब है, अब है। तो इस वाले रूम में बच्चे तैयार हो रहे हैं, बोल रहे हो ये वाह।
यहाँ पे गाइस प्रोग्राम तो हमने ना वहाँ करना था स्टेज पे पीछे, बट नहीं हो पा रहा है। हम लोग ना एक हॉल है उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए हमको सारे प्रोग्राम ना हॉल में करने पड़ रहे हैं। नहीं तो यहाँ खुले आसमान के नीचे प्रोग्राम होते थे तो कितना मज़ा आता था। वो रहा सामने हमारा स्टेज। ये है हमारे 8th क्लास के बच्चे, देखो इनका नेक्स्ट प्रोग्राम है और वो उसको बिल्कुल भी अभी फिक्र नहीं है, वो तैयार नहीं हुई, लेकिन अपनी दोस्त को तैयार कर रही है। बेटा जी आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है, जल्दी से नीचे आओ। ये काय से बांधना है मुझसे ज्यादा मेकअप कर रहे हो तुम्हें पता है, इतना तो मैंने भी नहीं किया है। वो है ये देखो, मैंने आईज पे तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं है गौरी। पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और आज हमारी छुट्टी थोड़ा सा जल्दी हो गई है, इंडिपेंडेंस डे पे हमेशा ऐसे ही होता है। और एक बार फिर से हमारा स्कूल देखिए, कुछ बच्चे अभी स्कूल में ही हैं, बस सब बच्चे अपना अब घर निकलने वाले हैं। और ये हमारे स्कूल का है गेट, 3 गेट है हमारे स्कूल में, ये फर्स्ट गेट है, देखिए फोटो। और अब यहाँ से हम करेंगे 1.5 किलोमीटर का ट्रैक खड़ी चढ़ाई ऊपर। महफिल मित्रा दी, हमारी गाड़ी के आगे रहेगा झंडा तिरंगा, गुड। यहाँ पे देखिए झरना, और मैम बोल रही है कि मैम वहाँ जा रही है, वाओ नाइस, पर मैं नहीं आऊँगी भाई वहाँ पे, पर हाँ आपका वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो गाइस अब हम पहुंचे हैं कसोल, आपको कसोल वाली फीलिंग देते हैं। यहाँ पे देखना नीचे जा रहे हैं गदेरे में, और यहाँ पे अभी एक मंदिर है तो मंदिर में चलते हैं गदेरी। और नीचे कसोल वाली फीलिंग आने वाली है, आज आपको एक नदी दिखाते हैं। ये देखिए भाई है कसोल, ये कसोल ही लग रहा है ये भाई, ये देखो कितनी अच्छी है ये जगह। मैं आपको बताऊँ ये दुगड्डा जगह है, ये फतेहपुर है, फतेहपुर से थोड़ा सा पहले ये जगह पड़ती है जहाँ पे इतनी सुंदर नदी बह रही है। अभी हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी फोटो वोटो क्लिक कराएंगे। सब लोग जा चुके हैं नीचे और मैं भी जा रही हूँ,
ये देखो भाई कितना मौसम है यहाँ पे, वो यार मजा आ गया। ये बात यार इतनी बढ़िया, बहुत सही सर, आप भी जाओ। ये बहुत मजा आ गया यहाँ पे आके। और अभी मेरे पास टास्क भी है कि मेरे को यहाँ पे अपने शूज पहनने हैं, और ये इतनी खतरनाक वाली चट्टान है ना, इसमें मेरे पैर बिल्कुल वो हो गए हैं, चुभ गया है ये मेरे पैरों पे अच्छे तरीके से। और ये मेरे शूज़ हैं, मेरे को पहनने हैं, ऊपर जाके पहनती हूँ यार अब। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यार ये देखो। सिद्धेश्वर महादेव नमः। यहाँ पे गाइस ये टेम्पल भी है, सर की तरफ से पार्टी है भाई, आइसक्रीम पार्टी। अच्छा? पर अफसोस कि मैं खा नहीं पाऊंगी, थोड़ा गला दुख रहा है। चिप्स मिलेगा मुझे, आइसक्रीम आई है। अरे यार दूसरे वाला लाना था अपने चिप्स, कोई बात नहीं, ये लीजिए आइसक्रीम। अरे रोज रोज पार्टी करा देते हो, क्या है ये? तभी वजन कम नहीं हो रहा। हाँ देखो, नहीं खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी लगने में, मेल्ट हो जाएगी ना, पिघल जाएगी सारी। स्कूल से आने के बाद मैं सत्संग में गई थी थोड़ी देर के लिए, और अभी सत्संग से ही आ रही हूँ गाइस। और यहाँ पर आज बहुत तेज धूप है, तो मैं बिल्कुल बहू बन चुकी हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ज़रूर बताएं मेरे को कि आपने इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया, हमने तो ऐसे किया है। सो गाइज़ बाय।